पापा बेसिकली जो लोकल में खेलते थे क्रिकेट, क्योंकि रामनगर में फुटबॉलर्स का काफ़ी वो था, तो काफ़ी फुटबॉल्स में मतलब काफ़ी प्लेयर्स मतलब खेलते थे यहाँ पे, तो क्रिकेट में इतना नहीं खेलते थे। तो पापा जो थे, पापा जैसे मेरे सर हो गए सतीश सर, तो ये आपस में खेलते थे, मतलब इन्होंने बेसिकली रामनगर में थोड़ा लोकल में खेलना तो स्टार्ट किया था क्रिकेट। तो वही बचपन से वो था कि पापा अगर उसमें थे तो हम जैसे गाँव में खेलते थे, खेतों में खेलते थे, तो वैसे इंटरेस्ट हल्का हल्का बढ़ता गया क्रिकेट में आना है, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी क्रिकेट में, मतलब कि हाँ कि अच्छा लगता है तो जाना है क्रिकेट में। कितना हो गया, 10 मीटर भी नहीं, यहाँ से बॉल करते थे छक्के, मतलब सामने ऊपर चले गए, 2 रन यहाँ से ऊपर करते थे। प्लास्टिक का बैट दे दिया, प्लास्टिक की बॉल दे दी। जब शुरुआत होती है मतलब 3 या 4 साल का रहा होगा हम करीब, वो ये फर्स्ट टाइम ही इसने लेफ्ट हैंड से बैट पकड़ के, हमने सिखाया नहीं कुछ, लेफ्ट हैंड से बैट पकड़ा सीधे जाए डाई मार दिया, बड़ा जो है कि ताजू हुआ। अब हम 1 2 3 सिखाते हैं हम जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में, तो वो बहुत बड़ा जो है कि पर वहाँ से लगा कि ये नेचुरल लेफ्ट हैंडर हो गया, कि उसे पकड़ना भी नहीं सिखाया, वो पकड़ के जो है चला दिया। तो जैसे यूजुअली घर में होता ना, एक फैमिली का होता है, जैसे मैं, मेरा बड़ा भाई और पापा, हम बैठे हुए थे बाहर कि आगे क्या करना है फ्यूचर में, मतलब किसको क्या करना है, मेरे से पूछा, तो मैंने सीधा बोला कि मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है। और उस टाइम जो है कि नई एकेडमी खुली हुई थी रामनगर में, तो वहाँ मैंने 1 साल खेला। तो उसके बाद फिर जो सर है मेरे सतीश सर, तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा एक साल ग्रूम करते हैं यहाँ पे, और अच्छा खेलता तो उसके बाद फिर अगले साल से इसको डेली भेजते हैं आगे। दृढ़ विश्वास कि भाई मुझे क्रिकेटर ही बना, एक तो क्रिकेट से बहुत लगाव था खासकर जो है मुझे, तो ये पूरा वो था कि नहीं क्रिकेटर बनाना है, ये नहीं था कि क्रिकेट से पैसा कमाना है, एक अच्छा क्रिकेटर बनाना है, यही जो मेरा आज भी जो है कि अगर मैं थोड़ा बहुत जो है कि एकेडमी में जाता हूँ तो बच्चों को ये अच्छा क्रिकेट खेलना है, ये नहीं कि सेलेक्ट ही होना है, मगर अच्छा क्रिकेट खेलो तो अपने आप सेलेक्ट हो जाओ। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मतलब वहीं करिए, मैंने स्टार्टिंग बेसिकली मतलब अपने पूरी प्रैक्टिस अच्छी। तो जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसे खड़ा रहता था, हमारा जो सीनियर होता था तो सर बोलते थे कि चलो पीछे खड़े हो जाओ, उनकी बैटिंग देखो, या जो भी सीखने को मिलता था उससे। अंकल ने कभी मना नहीं किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, अंकल ने क्या क्या कर्जा किया, क्या नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं बताया। और अनुज मुझसे पूछता था अभी कि मम्मी मैं आपसे जितना मांगता हूँ पैसा आप मुझे दे देते हो, आपको ये नहीं लगता कि हम बिगड़ जाएंगे या मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है? तो मैंने उसे एक ही बात बोली, बेटा मैंने कहा आप पे विश्वास है मेरे को, कोई बात नहीं, आप जितना बोलोगे हम देंगे, आप करो आगे बढ़ो, देखा जाएगा जो होगा। मैं जब रामनगर में था तो जो सतीश सर हैं और मेरे फादर हैं, तो यूजुअली उन्होंने कहा कि एज अ बैट्समैन आप नहीं खेल सकते, जितना जल्दी आप एज अ विकेट कीपर खेल सकते हो, हाई लेवल क्रिकेट अगर मैं खेल सकता हूँ या मतलब ज़्यादा चांसेस हैं तो वो एज अ विकेट कीपर ही हैं, तो मतलब साथ में दोनों चीज़ लेके चलनी पड़ती हैं, चाहे वो विकेट कीपिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। तनु जी से मैन ऑफ द सीरीज बना था स्कूल कप में, ठीक है ना, ये हम दिल्ली NCR में टूर्नामेंट हम लोग टॉप किए थे, जीते थे, इसमें बहुत सारी ट्रॉफीज है जो अनुज ने अपने बलबूते पे हमारे टूर्नामेंट जिताया है, उसकी कीपिंग और बैटिंग अनुज बड़ी अच्छी करता है, लेफ्ट बैट्समैन है, तो काफ़ी ट्रॉफियाँ इसमें से अनुज ने अपने बलबूते पे हमारे को दिलवाई है। अनुज एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि अपनी स्पोर्ट्स के लिए, अपने क्रिकेट के लिए बहुत पंचुअल है, आप अभी कभी भी देख लीजिए, जब भी वो ऑफ सीजन आएगा वो हमेशा 12 बजे 1 बजे दिन में पूरे 6-6 घंटे अपने ग्राउंड पे स्पेंड करता है, चाहे वो IPL अभी खेल रहा है अभी भी, और IPL से पहले भी जब वो स्टेट क्रिकेट भी नहीं खेला था, तो ये चीज़ बच्चे के अंदर बाय बर्थ होती है। टफ पार्ट तो बहुत रहे हैं, मतलब अभी आप अगर 2017 से पहले लगाओगे तो मतलब सारा टाइम 2011 से लेकर 17 तक वो मतलब टफ ही कहेंगे उसको, कि कोई मतलब खेल रहा था डेली, लोकल क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन वो
दिल्ली के प्रोविंस में जाते जाते मतलब 20 तक जा रहा था, लेकिन वो प्लेइंग उसमें 16 जो 15 का स्क्वाड था उसमें नई जगह बन रही थी बिल्कुल भी इतने साल तक, तो वो बहुत वैसा मोमेंट था, मतलब बहुत ख़राब पैच था। तो घर वाले भी काफ़ी मतलब उसमें थोड़े बहुत डाउन हो गए थे काफ़ी मतलब, लेकिन वही जैसे एक ब्रेक मिला उसके बाद फिर गाड़ी चलती रही, उसके बाद टचवुड चल रही अच्छी। जूनियर लेवल पे आपके बराबर के 2-3 प्लेयर्स होते हैं, तो कई बार सेलेक्टर्स को कोई पर्टिकुलर प्लेयर पसंद आता है, किसी को दूसरा प्लेयर पसंद आता है, तो ये सब इसको सेटबैक्स नहीं कह सकते, ये इट इज़ पार्ट ऑफ द कंपटीशन की वहाँ पे आपके टाइम में ही अगर 4 अच्छे कीपर हैं वहाँ पे तो सेलेक्टर्स उसमें से चूज़ करते हैं, हो सकता है 3 सेलेक्टर्स एक प्लेयर को लाइक करें, 2 किसी को दूसरे को लाइक करें, तो 3 वाले को नॉट मिल जाती है, तो इस तरह की सिचुएशन हर प्लेयर के साथ आती हैं। वही अनुज को भी वो फेस करनी पड़ी और अच्छा भी रहा मैंने कहा, क्योंकि उससे प्लेयर बिकम्स टफ और वो आगे चल के उसके लिए यूज़फुल होता है। सर अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब वो एकेडमी आते हैं तो वो हमें भी वो चीज़ें बताते हैं कि हमारी क्या गलती हो रही है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी एकेडमी से इतने हाई लेवल पे कोई खेल रहा है तो हम भी उनसे ऊपर हमें जाना। ऑक्शन मैं फॉलो तो कर रहा था, लेकिन उस टाइम पर हमारा रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था आंध्र प्रदेश में, बस में जब जा रहे थे सारे थे हम, नवदीप सैनी, नितेश राणा वगैरह, जो फर्स्ट लॉट था विकेट कीपर उसमें मेरा नाम आया, और मतलब वो जब आरआर ने बैट करी तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था, मतलब सारे वो कहते हैं ना डेली वाले होते हैं तो पीछे से मारने लग जाते हैं, तो वही वाला मोमेंट हुआ मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छा था। आई हैव बीन वॉचिंग ऑक्शंस फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स, आई वुड से दैट फॉर द फर्स्ट ईयर हिज नेम डिडंट केम आउट, फॉर द सेकेंड ईयर हिज नेम केम इन बट नो वन बेट फॉर हिम, एंड फॉर द थर्ड ईयर मीन्स वी वर श्योर दैट समवन इज गोना बेट फॉर हिम, एंड देन द बेट स्टार्टेड, राजस्थान रॉयल्स बेट फॉर हिम, देन KKR बेट फॉर हिम, सो मीन्स इट वॉज goosebumps means I was just watching it from my hostel room, you know, I was just doing my college at that point of moment, you know, I was just so much happy for him that all his success and all his hard work has finally come into the place. So being as a wicketkeeper batsman left hander, to main pehle Adam Gilchrist ka matlab time tha, to main unhe dekh ke kafi wo karta tha ki ha unki batting aa rahi hai, keeping aa rahi hai, to unhe dekhta tha। उसके बाद संगा सर थे, संगा को देख के उनका 2015 वर्ल्ड कप का जो वो था वो सारे मैच देखे मैंने, तो उन्होंने मतलब जो लगातार इतनी सारी सेंचुरीज मारी हैं। जूनियर मिली पा जो हमारे लास्ट ईयर कोच थे, तो उन्होंने मतलब एक ट्रेंड कहेंगे या एक वो था कि अगर आप टीम में नए हो तो आप मतलब एक दूसरे के बारे में मतलब अच्छे से जेल हो जाएं प्लेयर्स, तो एक दूसरे के बारे में आप स्टोरी उनकी बताएंगे आप कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं आए हो, तो मेरा डेविड मिलर के साथ था, तो मैं तो काफ़ी खुश था कि चलो और उनके बारे में जानने को मिलेगा या मेरे बारे में वो जानेंगे, तो उनका मैसेज आया हे ब्रदर, डेविड मिलर का हे ब्रदर वी नीड टू टॉक, मैंने कहा यस श्योर वी नीड टू टॉक, तो ऐसे करके आपस में मतलब एक दूसरे के बारे में बताया कि जो चीज़ नहीं जानते थे कि क्या क्या आपने क्या कहाँ से स्टार्ट किया कब किया ये किया, तो वहीं से एक माइंड में आया मिली पा करके, तो मतलब किस तरह बोलूँ मैं उनको किस तरह स्टार्टिंग करूँ उनके नाम से, तो मिली पा निकल गया, तो वहाँ से सारे चिल्लाने लग गए मिली पा, तो अब भी किसी को भी हम बोलते हैं तो पा लगा देते हैं पीछे से, तो काफ़ी मतलब एक हंसी वाला या एक फन वाला वो हो जाता है। मतलब मेहनत करते रहिए, और एक होता है कि मेहनत करना और एक होता है कि अच्छी मेहनत करना, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन एक जो परफेक्ट प्रैक्टिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप 10 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हो उससे तो बेकार है 10 घंटे प्रैक्टिस करना, लेकिन वही अगर आप लिमिटेड या कम प्रैक्टिस करते हो कम आवर्स लेकिन आप स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो बहुत मेरे को लगता है वो चीज़ मैं बहुत फॉलो करता हूँ कि कम प्रैक्टिस करूँ लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ।